आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, ये विटामिन सी से भरपूर है और काफ़ी गुणकारी है। आज हम बनाएंगे आंवला सुपारी, जिससे हम आंवला की गुडनेस को पूरे साल भर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आंवला बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो इसको लेकर ये आंवला सुपारी बनाई जा सकती है। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल कुक टू रिलिश बाय हेतल परीक में। ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आंवला सुपारी बनाने के लिए हमने सबसे पहले आंवला को ले लेना है और अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो आंवला लिया है। आप चाहे तो आपको जितने आंवले की बनानी है सुपारी, उतने आंवले ले सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से धो लेना है पहले, और फिर इसको ऐसे स्लाइस कर लेना है। तो लंबी लंबी स्लाइस कर लेंगे इसकी। पतली स्लाइस करेंगे तो जल्दी से ये सूख जाएगा। इसी प्रकार हम सारे आंवले की स्लाइस कर लेंगे। मैं आंवला सुपारी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको चटपटा बनाने के लिए नमक वगैरह इस्तेमाल करूँगी। पर अगर आप नॉर्मल आंवला पाउडर बनाना चाहें, क्योंकि आंवला सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, आँखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए, स्किन के लिए, और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, तो आप चाहें तो बिना नमक के भी ऐसे ही स्लाइस करके आंवले को सुखा सकते हैं और फिर इसे ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में, तो रेडी हो जाएगा आपका आंवला पाउडर। अब सारे आंवले के हमने पीसेस रेडी करके रख दिए हैं। अब दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो आंवला सुपारी में हम मिक्स करेंगे, वो है नमक, काला नमक और अदरक की पेस्ट। तो अदरक की पेस्ट ऑप्शनल है, पर इससे अच्छा सा स्वाद आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो मैं नमक, काला नमक और अदरक तीनों इसको मिक्स करूँगी। सबसे पहले मैं नमक डाल देती हूँ। अब डाल देंगे काला नमक। काला नमक से भी अच्छा चटपटा स्वाद आता है। अब अदरक जो है उसको मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस लिया है, तो इसको अच्छे से एकदम ग्राइंड करके अदरक की जो पेस्ट बनाई है उसे मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे धूप में रखना है। तो हम अच्छा सा एक कॉटन का या मलमल का कपड़ा ले लेंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि कुछ धूल मिट्टी ना उड़े इसके ऊपर, और फिर इसे धूप में रखना है। तो 4-5 दिन तक इसको कंटिन्यूस धूप में रखेंगे, तो ये अच्छे से सूख जाएगा और अच्छी सी क्रिस्पी सी सुपारी रेडी हो जाएगी। तो ये मिक्स करके रेडी है। देखिए अभी ये 3-4 दिन के बाद आंवले कैसे ड्राई होके सुपारी रेडी है। इसे एयरटाइट बोतल में भर दीजिए और पूरे साल भर एंजॉय कीजिए। थैंक यू।